आज हम बनाने जा रहे हैं लॉकडाउन स्पेशल वेजिटेबल विंडो सैंडविच। आइए फिर बनाने चले। सबसे पहले ब्रेड को स्क्वायर की तरह हमें अंदर से कट करनी है। ये देखिए इस तरह। अब सारे ब्रेड को कट कर लेते हैं। हमने सारे ब्रेड को कट कर लिया है। अब इसको एक साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैं एक बाउल ली हूँ, इसमें मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी। मैं देखिए ये वेजिटेबल जो डाल रही हूँ अपने हिसाब से आप डालिएगा। ये कैप्सिकम थोड़ी सी मैं ली हूँ और थोड़ी सी टमाटो काट के ली हूँ। मैं थोड़ी छोटी सी प्याज ली हूँ मैं कट करके। ये हरी मिर्च एक में कट करके ली हूँ। ये धनिया पत्ता मैंने डाला है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। ये आपके अकॉर्डिंग आप कितना पसंद करते हैं उस तरह आप डालिएगा। और 1/4 में बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून है। ओके, देन मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स थोड़ी सी। ये अकॉर्डिंग टू यू, आपको पसंद है तो डालोगे नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम अभी डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। और इसमें मैं ओरिगैनो डाल रही हूँ। और इसमें अभी हम थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। एक घोल बनाएंगे, जैसे हम चीला बनाते हैं उस तरह एक घोल बनाएंगे पहले। ये देखिए हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक नॉनस्टिक तवे ली हूँ और उसके ऊपर मैं ना बटर रख रही हूँ। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा जो कटी हुई ब्रेड थी ना विंडो की जैसे, उसको हमने रखा है और गैस में सिम पे अभी रखी हूँ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो लिक्विड जो हमने बेसन का जो तैयार किया था उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब विंडो के अंदर ये बेसन का घोल चला गया। और इसके ऊपर अब इसके ऊपर मैं ये चीज़ डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालोगे नहीं तो नहीं। और इसके ऊपर हमारी जो कटी हुई ब्रेड थी ना अंदर की, वो मैं इसके ऊपर ऐसे लगा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे की साइड तो हो चुकी होगी, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए एक साइड तो अच्छी तरह पक गई है इसकी और दूसरी साइड अच्छी तरह हो जाएंगे, सिम पे है। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए चीज भी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह। अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसे। हमारा वेजिटेबल विंडो सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कट करके। ये देखिए चीज़ भी मेल्ट हो गया अच्छी तरह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।